एक बड़ी खबर शुरू करेंगे जहां केजरीवाल को अंतरिम जमानत। केजरीवाल को 1 जून तक जमानत, सुप्रीम कोर्ट से जमानत की बात कही जा रही है। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है। और अब आप ये देखिए कि केजरीवाल को लेकर एक बड़े फैसले की बात कही जा रही थी और दिल्ली से पूरा मामला है जहां पर केजरीवाल को अंतरिम जमानत है। केजरीवाल को 1 जून तक जमानत मिली है और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट से जमानत दी गई। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है। तो आज यह अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का, जहां केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग है और केजरीवाल को 1 जून तक की जमानत मिली है। तो खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का बेहद ही खास फैसला, जब जमानत याचिका लगाई गई थी और इस पर आज अहम सुनवाई होनी थी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशरफ काजमी जुड़ गया। अशरफ, अंतरिम जमानत की बात कही जा रही है, 1 जून तक की जमानत मिली केजरीवाल को। बिल्कुल, देखिए ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। चुनाव के दौरान केजरीवाल अब बाहर आएंगे और अभी तक वो जितना भी तीन फेज हो चुके हैं और सोमवार को चौथा फेज है और अभी तक वो जेल में थे, लेकिन अब वो बाहर आ जाएंगे तो उनके लिए कम से कम आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत की बात है। और अभी तक जेल से ही में थे और उनकी पत्नी यहाँ सड़क पर प्रचार कर रही थी। अब केजरीवाल खुद जनता के बीच में जाएंगे और जाहिर सी बात है इस मौके को वो राजनीतिक रूप से भुनाएंगे जरूर। जी बिल्कुल, और बेसब्री से इंतजार भी था इस पूरी सुनवाई का। हालांकि लंबे समय से सुनवाई को लेकर जो याचिका है वो लगाई गई थी कि उनको जमानत पर लाया जाए और 1 जून तक, यानी कि एक अच्छा मौका रहेगा उनको। और क्या किसी सीट से चुनाव की बात भी कही जा रही है केजरीवाल के लिए? नहीं, देखिए चुनाव का तो उनके लिए नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि वो अब आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल है तो अब वो खुलकर अंतिम चरण तक, जो 7 चरण में चुनाव होना है, सब जगह जाएंगे और अपना प्रचार करेंगे और अपनी बात रखेंगे। जो काम अभी तक उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल कर रही थी या पार्टी के दूसरे नेता कर रहे थे, अब केजरीवाल खुद जनता के बीच में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। जाहिर से बात है कि अभी जब ये जनता के बीच में जाएंगे तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से उनको फायदा होगा और वो चुनावी फायदे में वो कितना बदलता है, वोट में कितना बदलता है, क्योंकि दिल्ली में 25 मई को मतदान होना है तो उसको भी देखना है कि इसका फायदा केजरीवाल कितना उठा पाते हैं और जनता उनके पक्ष में कितना वोट करती है। जी जाहिर सी बात है। और एक जैसे कि केजरीवाल इस समय जेल में थे और जिस तरीके के आरोप उन पर लगाए गए हैं और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई हुई है, तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत थी और एक ये बहुत बड़ी राहत देख सकते हैं अशरफ, जब 1 जून तक के लिए ही जमानत मिली है केजरीवाल को और 25 तारीख को मतदान होना है, तो कह सकते हैं कि अच्छा खासा टाइम तो है ही, लेकिन फिर भी एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की यह मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। और अभी जितना ओरली बोला गया है, ओरली ऑर्डर में और कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हमें लिखित ऑर्डर देखना होगा कि और कोई कंडीशन है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस ऑर्डर जब ये अपलोड हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा, इसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट रिलीज का ऑर्डर पास करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आज ही हो जाए, वो हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद जी आज ही रिलीज हो जाए, वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और आज ही रिलीज हो जाए। इंग्लिश में बोल रहा हूं, टुडे एट 2 PM द बेंच इन कोर्ट टू असेंबल फॉर दिस मैटर एंड इट प्रोनाउंस्ड अ वेरी शॉर्ट ओरल ऑर्डर। We have not yet seen the written order, which will be uploaded in the course of the day, as we understand. And in that oral order, the court indicated that they are granting interim release / bail to Mr. Arvind Kejriwal, and that order of interim release will be operable up till 2nd of June, that is during the election process. And there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say during. While he is out in these 20-22 days,
एनी फर्दर एस्पेक्ट वील हैव टू सी द ऑर्डर एंड देन ओनली कॉमेंट. सो वेन डू यू थिंक ही विल बी रिलीज्ड? वी आर एंटिसिपेटिंग दैट द ऑर्डर शुड बी गेटिंग अपलोडेड क्विकली. वी विल ऑब्वियसली मूव फॉर रिलीज टूडे इटसेल्फ. वी विल ट्राई फॉर द रिलीज टूडे इटसेल्फ एंड वी होप दैट इट शुड हैपन टूडे इटसेल्फ. ठीक है, थैंक यू. अब केजरीवाल, चूंकि 1 जून तक के लिए इनको जमानत दी गई है और 2 तारीख को यानी कि 2 जून को इन्हें खुद ही सरेंडर करना होगा, और ये बड़ी खबर मिल रही है जहां पर सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक की बड़ी राहत कह सकते हैं केजरीवाल को मिली है. अब चूंकि केजरीवाल आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है तो जाहिर सी बात है कि अब आम आदमी पार्टी के नेताओं में कार्यकर्ताओं में निश्चित ही एक ऊर्जा भरने का काम होगा. दिल्ली की चुनावी फिजाओं में बदलाव नजर आने वाला है क्योंकि धुआंधार प्रचार प्रसार अब केजरीवाल करने वाले हैं और उनकी पार्टी को एक मजबूती मिलेगी, संबल मिलेगा क्योंकि केजरीवाल एक झूठे मुकदमे में अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखा गया था. सर क्या कुछ जी, ये तो मेरे को बाद में लिख के भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बाइट कर. तो देखिए, जो कानूनी लड़ाई है वो तो चलती रहेगी, लेकिन जिस तरीके से ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और शराब नीति केस के चलते इनकी गिरफ्तारी की गई थी, और उसके बाद आप देखिए कि अब जो याचिका लगाई गई थी, जमानत याचिका, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है. हालांकि 7 तारीख को ही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था और उसके बाद से ही लगातार इंतजार हो रहा था कि फैसले में केजरीवाल के पक्ष में रहेगा या नहीं. तो ये एक बहुत बड़ी राहत ना सिर्फ केजरीवाल के लिए बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी के लिए. अभी लगातार उनकी जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, वो प्रचार प्रसार कर रही थी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद पूरी जो प्रक्रिया होगी उसके बाद वे बाहर आएंगे और उसके बाद वे चुनावी प्रचार प्रसार में शामिल हो जाएंगे. एक नए ऊर्जा भरने का काम रहेगा कार्यकर्ताओं में भी, नेताओं में भी. और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ईडी की ये कोशिश थी कि उन्हें जमानत ना मिले, लेकिन केजरीवाल की तरफ से, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो लड़ाई चल रही थी मुद्दों को लेकर, उसके बाद अब उन्हें जमानत मिल गई है और ये एक बहुत बड़ी राहत की बात केजरीवाल के लिए निकलकर सामने आई है. तो इससे पहले केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार यानी कि 7 मई को ही जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था, लेकिन ईडी की तरफ से कहा गया कि बहुत सारी दलीलें बाकी हैं और अंतरिम जमानत पर पूरा पक्ष सुना जाना चाहिए, और यही कारण है कि इसे थोड़ा और वक्त दिया गया. और आज अब ये साफ हुआ है कि केजरीवाल को जमानत दे दी गई है. तो लगातार ईडी अपना पक्ष रखती आ रही है, केजरीवाल की तरफ से वकील अपना पक्ष रखते आ रहे हैं, और ईडी ने हलफनामा भी दिया था जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा था. सुप्रीम कोर्ट दरअसल इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा, और ये आज जो महत्वपूर्ण फैसला आया है ये केजरीवाल के साथ साथ पूरी आम आदमी पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है.